फिर गाना था, कोई इशारा नहीं। लग तो ऐसे ही रहा था जैसे तुम इशारों में बात कर रही हो, कहना कुछ और चाहती हो, बोल कुछ और रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे तुम मेरी टीम में ही नहीं हो। तुम्हें कुछ भी लगे, हूँ तो तुम्हारी टीम में ही। मुझे लगा कि मेरी टीम में होके भी तुम जिताना किसी और को चाहती हो। मैं इस फंक्शन को यादगार बनाना चाहती, किसी की खुशी के लिए गा रही थी। ओह फिर ठीक है, तो तुम मेरी खुशी के लिए गाओ और मेरी मेहंदी को यादगार बनाओ। हाँ प्रज्ञा, तुम्हें गाना गाना चाहिए। अरे फर्स्ट वो गाना है ना अपना। अरे तुम हमारी टीम में हो ना। सॉरी। अरे फर्स्ट तो मुझे भी बहुत सारे गाने आते हैं। लेकिन प्रज्ञा आज सिर्फ वही गाना गाना जो तुम्हें अच्छा लगता हो। ये मुझे तो मुझे खास कोई गाना याद नहीं आ रहा अभी। अरे तो क्या हो, इसमें कौन सी छोटी बात है, तुम गाना गाओ, मैं गिटार बजा लूं। है ना, आपका गिटार मैं लेके आता हूं। थैंक यू। गिटार का सेट है। आया तो सुबह हल्ले की बेवजह सी जिंदगी में जीने की वजह हल्ले की खोया था समंदरों में तन्हा सफीना मेरा साहिलों पे आया है तू जाने किस तरह हल्ले के फैली थी सियाह रातें आया तो सुबह हल्ले की बेवजह सी जिंदगी में जीने की वजह हल्ले की खोया था समंदरों में तन्हा सफीना मेरा साहिलों पे आया है तू जाने किस तरह लेके कुछ तो है तुझसे राबता कुछ तो है तुझसे राबता कैसे हम जाने हमें क्या पता कुछ तो है तुझसे राबता अब क्या है कहना हमको है रहना जन्नते भुला के तेरी बाहों में बना है लेके फैली थी सियाह राते आया तो सुबह लेके बेवजह से जिंदगी में जीने की वजह लेके मजा आ गया प्रज्ञा। वाह 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 मजा आ गया। इसे कहते ताल से ताल मिलाना। अरे वाह। एक सेकंड गाइस, मैं जरा एक सेकंड में, तू अंदर आ जाना यार। एक्सेप्ट क्या, हेलो हेलो मैंने जानी इश्क की गली बस तेरी आहटे मिली मैंने चाह चाहू ना तुझे पर मेरी एक ना चली। प्राची तुमने मेरे से दूर रहने का डिसीजन तो ले लिया है, ये बता दो कि मैं तुमसे दूर रहूं कैसे। और अगर तुम चाहती हो मैं तुमसे दूर रहूं तो बस मुझ पे एक एहसान कर दो, इतनी अच्छी मत दिखो, तुमसे दूर रहना और मुश्किल होता है। अरे मैं तो इसको भूल गया। हेलो। हाँ सॉरी मैं तेरी आवाज नहीं आ रही थी, क्या कह रहा था तू? मैं एक्चुअली थोड़ा बिजी हो गया था बीच में। प्रिया तूने मेरी ड्रेस क्यों काटी? व्हाट? मैं तुम्हारी ड्रेस क्यों काटूंगी? जब चलाकी करनी हो तो बेवकूफी नहीं क्या करती। तुम जब मेरी ड्रेस काटने आई थी तो इसे वहीं छोड़ आई। तुम हमेशा की तरह अपनी घटिया हरकतों पे उतर आई। और तुम्हारी हरकतों का क्या? तुम रणबीर को मुझसे छीनना चाहती हो, है ना? क्या जरूरत थी तुम्हें रणबीर के फेवरेट कलर की ड्रेस पहनने की? मेरे पास ये एक ही ड्रेस थी पहनने की। पर ये पहन लिया ना? हाँ मैंने जैसे तैसे मैनेज कर लिया। ये मेरे पुराने ड्रेस का ब्लाउज है, मैंने मिक्स मैच करके पहन लिया। मैनेज कर लिया ना? Be happy. तुम चाहते क्या हो? मैं ये चाहती हूँ कि तुम रणबीर से दूर रहो।
ज्यादा देर यहाँ बंद नहीं रह पाऊंगा, लेकिन उससे पहले कोई आ जाए मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद यहाँ कोई ना कोई बाथरूम में आएगा ही, और मैं इस झूलटे के साथ पकड़ा जाऊंगा। मुश्किल घड़ी में उम्मीद की खिड़की, मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। अब मेरी बारी। हाँ? अरे क्या आया, ये तो बहुत ही मुश्किल अक्षर है। क्या? हाँ, था से तो कितने कम गाने हैं। था से वो है ना, मैं ना बहुत सारे गाने देखो सपोर्ट कर रही हैं। अब काउंटिंग कीजिए, टिक टिक वन, था से तो टिक टिक टू, वो करने से गाना थोड़ी ना आ जाएगा, वो टिक टिक थ्री, अरे तुम्हें वो गाना टिक टिक टेन, आई मीन एक पॉइंट इन्हें नहीं मिला। ये सारे गाने थे, थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, तुम भी ना। मेरी टर्न। अच्छा, तुम्हारी टर्न, बोल दे, बोल ना बाबा। तुम्हारा टर्न है ना, तो उठाओ। मिताली भाभी, मेहंदी और जी, तो फिर क्या करूं मैं? आप उठाइए, फिर मैं ही गाना गाऊं। इस बार तुम गाओगी, प्रॉमिस? इस बार मैं गाऊंगी। हाँ ठीक है, ये देखो क्या है। ये तो थ से भी ज्यादा मुश्किल अक्षर है। क्या? ज। ज से जो नहीं, ज से तो मुझे भी कुछ नहीं आता। टिक टिक वन, टिक टिक टू। ऐसा नहीं कि मुझे इस पे कोई सॉन्ग नहीं आता, जस्ट कि मैं कोई स्पेशल सॉन्ग गाना चाहती हूँ। बहाने रहने दो तुम। टिक टिक फाइव, टिक टिक सिक्स, टिक टिक सेवन, टिक टिक नाइन, टिक टिक। पॉइंट तो मिला एटलीस्ट। सॉरी लेट हो गई मैं, किसकी बारी है? अरे तेरी बारी है। अब हाँ ये लो, अब निकालो स्लिप। क्या आया? ना। अरे ना से बहुत गाने पाती याद करते तो गा सकती, कुछ तो गाना गा दे। मदद कर देना, तुम हमारी टीम में हो। ये क्या बात है, ये तो हाफ सॉन्ग है। कौन सा हाफ सॉन्ग है, तुम्हें पूरा गाना पता है? ये हाफ सॉन्ग है और ऐसे नहीं चलेगा, पूरा सॉन्ग गाना पड़ेगा। गाना प्राची, मुझसे नहीं गाया जाएगा शाना। वो प्राची को ना शायद इतना ही गाना आता है। आज प्राची बैठ जाओ। इतना ही? ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इतने में मेरे दो गाने हो जाते हैं। लेकिन ये एक्सक्यूज है, पूरा सॉन्ग गाना पड़ेगा वरना पॉइंट नहीं मिलेगा। पॉइंट क्यों नहीं मिलेगा, पूरा पूरा सॉन्ग। ओए रणबीर। जी जी आया। प्राची ने जितना गाया उतना गा लिया ना, अब या तो वो एक्सेप्ट करो या उसके बदले में रणबीर गाएगा। अच्छा ठीक है, तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ। हाँ मैं करता हूँ। मेरा लेटर है ए। अच्छा सुना है, बाहर हर जगह देख लिया पर दूर दूर तक कोई नहीं है। बताओ उसे, रिलैक्स ना। ओके, ना कोई अंदर है ना कोई बाहर। चोरी हो गई, घर में चोरी हो गई, वो नेकलेस चोरी हो चुकी है। हाँ और मुझे पता है कि किसने चोरी की। किसने की है? उसी ने जिसे इसकी जरूरत हो। सुनिए वो चोर। Are you sure? ये रहा लॉकर, इसमें से ले लो सारी ज्वेलरी और जाओ। हम लोग भी चलें क्या? हाँ हाँ। रणबीर एक काम कर, तू पीछे के रास्ते से आ। I'll go behind it. रुक, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो प्लीज। चोरी करता है। मैंने चोरी नहीं करी है कोई। छोड़ दो मुझे। चोरी नहीं करी है। चोरी नहीं करी तो क्या? बता मुझे चोरी करने को कहाँ गया था? आपके घर से। आपके घर कोई है जो मुझे कह रहा चोरी करने को? तो प्लीज मुझे मत मारो। हमारे घर से? हमारे घर से कौन उसका जी? अरे सभी लोग चीफ कहिए। नहीं नहीं नहीं, पेट ऊपर नीचे जा रहा है, जिंदा है। ओ। बस बेहोश हुआ है। आ गए सब। ओए
उठा पाएगा ना? आप हेल्प करो ना थोड़ी सी। थैंक यू। कहाँ गया? इसी तरफ आया था ना, है ना? क्या हुआ? जो आदमी भागा तुमने ही उसे कहा है ना कि ये चोरी करे? क्या? हाँ, तुम्हें नहीं ये सब करवाया ना ताकि तुम प्रूफ कर सको कि मैं कितनी इरेस्पॉन्सिबल हूँ, है ना? भगवान ने ना आँख कान नाक सब कुछ दिया है, तो दिमाग भी दिया है, उसे इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ भी मत बोलो वरना मैं क्या हो गया? क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं जानती हूँ कि जो चोरी हुई है ना ये प्राची ने करवाई। रिया, तुम्हारी बहन है वो, जो बोल रही हो सोच समझ कर बोल। हम इसी बात का तो ये फायदा उठाती। यही बात तुम्हारे बारे में भी कही जा सकती है। माँ, अगर मैंने इसका सच आपको बताया ना आप यकीन नहीं करेंगे। अब बात तुम पे आई तो ये ब्लेम मुझ पर डाल रही हो ना? क्या व्हाट डू यू वांट टू प्रूव? हां, तुम नहीं चाहती थी ना मैं इस फंक्शन में आऊं। पूछ सकती हूँ क्यों? चुप करो दोनों, ये क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच? आर्यन कम। हां सर, टुडे इज वर्कआउट फॉर यू। यस सर। यू राइट, यही वो आदमी है जो गहने लेकर भाग रहा था। चाहो तुम्हें देख ले वरना निकल जाते। डैड, ये चोर नहीं है। प्राची ने इससे कहा था कि चोरी करने। एकदम चुप। डैड, प्लीज क्वाइट। तुम दोनों मेरी बेटियां और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कौन चोरी कर सकता है कौन नहीं। और ये काम तुम दोनों नहीं कर सकते। लेकिन चीफ, चोरी तो हुई है और इसने बेहोश होने से पहले यही बोला था कि हम में से कोई एक है जिसने इसको चोरी करने के लिए कहा। हाँ, तो उसके लिए अभी झगड़ा करके क्या मतलब है? कुछ पता चलेगा जब इसे होश आएगा, तब इससे पूछ लेंगे ना। तनु, ये क्या कमाल की पार्टी थी ना, क्या मेहंदी थी, संगीत में भी क्या मजा है, इतने गाने तो मैंने अपने परफॉर्मेंस में नहीं गाए। तो अब दोनों फंक्शन हो गए तो तुम जाओ अपने। मुझे यहीं रहना है, यहाँ रहूंगी तभी तो सोमदत्त को कुछ भी बोलने से रोक सकूंगी। मैं थोड़ी देर के बाद चली जाऊंगी। मेरी मेहंदी भी अभी सूखी नहीं है, सूख जाएगी तो चली जाऊंगी। इट्स ओके, मैं गेस्ट रूम में रुक जाऊंगी तब तक। हाँ तनु, आओ मैं तुम्हें ले चलती हूँ गेस्ट रूम। भाई, आपको नहीं लगता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए? या। चलो इसे अंदर ले। थैंक यू। मैं चलती हूँ, कुछ चाहिए होगा तो बता देना। ठीक है, लेकिन प्रज्ञा, एक बात पूछनी थी। तुम मेरे साथ इतना अच्छे से बिहेव क्यों कर रही हो? मैं नॉर्मल बिहेव कर रही हूँ। तुम्हारी जगह कोई और होती तो भी मैं यही करती। वाह, मतलब किसी आम लड़की में और दुल्हन में कोई फर्क ही नहीं है, राइट? तुमसे मैं अच्छे से बिहेव करूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम होती है, अगर नहीं करती तो तुम्हें प्रॉब्लम हो। तुम्हें प्रॉब्लम मुझसे है। खुश रहने की कोशिश करो, शादी हो रही है तुम्हें। What? तुम उसे जानती हो? What do you mean by that? मैं उसे क्यों जानूंगी? वो एक चोर है। ये कैसा क्वेश्चन है? चोर? मैं तो उसकी बात कर रही थी, वो डिजाइनर है ना, पुलकित अवस्थी। तुमने अपनी शादी का लहंगा बनवाया है उससे, so I thought personally जानती होगी। मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं ठीक से कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। I'm really sorry। तनु, मैं तुम्हारे लिए ना शक्कर और ये नींबू पानी लेकर आई हूँ। वो मैंने जब सूखेगी ना तो उसे निकालना नहीं है, ये उस पे लगाते रहना, इससे ना मेहंदी का रंग अच्छा आता है। थैंक यू। अरे क्या हो गया, गर्मी लग रही है क्या तुमको बहुत? एसी चला लो ना, कितना पसीना आ रहा है तुमको? हाँ, पसीना कुछ ज्यादा ही आ रहा है। अब भाभी, आप ख्याल रखिए तनु का। हाँ, मैं आप एक्सक्यूज मी। एसी रिमोट कहाँ है मुझे बता दो। यस इंस्पेक्टर, वो चोर हमारी शादी की जूली चोरी करके जा रहा था। उसने भागने की कोशिश की पर भाई ने उसे पकड़ लिया। We tried asking him कि किसने उससे कहा था चोरी करने के लिए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ओके, थैंक यू।
बुजी, मुझे आई एम वेरी श्योर कि वो आदमी ना प्राची के बारे में बात कर रहा था। ये चोरी ना प्राची ने ही करवाई है। आपने सुना ना उसने क्या कहा? घर का ही कोई है जिसने जिसने चोरी करने के लिए कहा था। सुना ना आपने? मुझे आई एम वेरी श्योर कि मेरे कमरे से उस प्राची ने चोरी करवाई है ताकि वो मुझसे बदला ले सके। रिया, तुम प्राची को गलत समझ रही हो। तुम्हें क्या लगता है, वो सही है? She is not that innocent. She is very innocent. और तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? जितना मैं प्राची को जानता हूँ ना, उसके दिमाग में बदला ये सब नहीं चलता है। ये सब का सब तुम्हारे दिमाग में चलता है। ये hatred, jealousy, anger, ये सब तुम्हारे emotions हैं। उसकी dictionary में ये words है ही नहीं। वो तुम हो जो बदला लेने की सोचती है। वो कभी इस बारे में सोच ही नहीं सकती। And for the last time. इस घर में जो होता है ना, वो सब तुम्हारे अगेंस्ट नहीं होता है। हर कोई इंसान तुम्हारे अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग नहीं कर रहा। गेट ओवर योरसेल्फ प्लीज। रणबीर, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें उसकी सारी बातें हमेशा सही लगती है और मेरी बात हमेशा गलत? हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राची ने किसी को हायर किया हो। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तुम्हें लगता है एक प्राची जैसी लड़की किसी को हायर कर सकती है? सब तुम्हारा काम है, ये सब तुम करती हो, वो नहीं करती है। रणबीर, मैं यहीं खड़ी हूँ। And how dare you talk to Ria like this? आप वहाँ पे भी खड़ी थी ना जब रिया प्राची के बारे में ये सब बोल रही थी, तब तो आपने एक वर्ड नहीं बोला। अब क्यों? I'm sorry to say, लेकिन जितनी रिया आपकी भतीजी है ना, उतनी ही प्राची भी है। I don't know, इस घर में सब क्यों रिया 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 की साइड लेते रहते। But I'm really sorry. मुझे ये लगता है कि रिया तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुमने प्राची अगेंस्ट जितनी चीजें करी है ना, वो तुम अच्छे से जानती हो और वो मैं भी अच्छे से जानता हूँ। तो इट्स बेटर कि हम इस सब बारे में बात ना करें। तो एक बार वो चोर को होश आ जाए, वो खुद अपने आप बता देगा कि किसने चोरी करी, उससे पहले हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। Do you get it? रिया, रणबीर,